क्या पठान के लिए टाइगर थी कुर्बान हो गई? ये एक बहुत अलग टॉपिक है जिसके बारे में शायद कोई वीडियो नहीं बनाएगा या फिर बनाने की चाहत भी नहीं रखता है। और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जिससे दोनों फैंस की जो अंदर अंदर दुश्मनी चल रही है शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान, ये थोड़ी कम हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। ये बहुत लोगों को वैलिड टॉपिक लगेगा नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर बताना इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को ये लग रहा है कि पठान एक बहुत बड़ी हिट हो गई है, टाइगर थी बिल्कुल भी नहीं चली है, और टाइगर थी में मज़ा नहीं है, दम नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बयां करना चाहूँगा जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि शाहरुख खान को उठाने वाला वापस से 4 साल बाद पठान है, यानी कि YRF है। और YRF की जो फिल्म है पठान, ये टाइगर थ्री के बाद बनी है, ये भी आपको बता दो। और टाइगर थ्री की ज़्यादातर शूटिंग कोविड के दौरान ही हो गई थी, क्योंकि मैंने प्रीतम दास से जब सवाल पूछा गाने के बारे में, लेके प्रभु का नाम जो उन्होंने कंपोज किया है, तो उन्होंने बताया कि ये कोविड के दौरान ये सब चीज़ें हुई थी, यानी कि ये फिल्म रिलीज़ हो रही है दिवाली 12 नवंबर 2023 को, लेकिन इसकी शूटिंग कोविड में हुई थी, यानी 2020 या 2021 के बीच में, उसके दरमियान, यानी कि फिल्म को 2 साल रोक के रखा गया। और बताता हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, टाइगर थ्री में शाहरुख खान का कैमियो जो है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये बाद में शूट किया गया है। अब सीन क्या हो गया कि जब रोहित शेट्टी अपने कॉप यूनिवर्स को लेकर तैयार हो रहे हैं और जब वो चीज़ें वो कर रहे हैं, तो YRF ने भी सोचा कि हम भी इसी तरह की चीज़ें आगे लेकर आए और जिससे फिल्म को फ़ायदा होगा, जो गलत नहीं है। और शाहरुख खान का जो डूबता कैरियर था उनको बचाने का जिम्मा YRF के कंधों पर था। इसलिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से समझोगे, टाइगर थ्री ईद पर आ रही थी 2023 में, और टाइगर थ्री ईद पर नहीं आई, वो आई दिवाली पर। और जो फिल्म 2021 में, क्योंकि कोविड 2021 में ख़त्म हो गया था, जो फिल्म 2021 में बनकर रेडी है, तो क्या लगता है वो 25 जनवरी 2023 को नहीं आ सकती थी क्या? वो साल डेढ़ साल डब्बे में रखी रही फिल्म आ सकती थी, कहने का मतलब ये है उस फिल्म को बाकायदा लेट किया गया। क्योंकि आप ही अगर सोचिए लॉजिकली कि जिस तरह से पठान में जब टाइगर आता है, सलमान खान आता है, उनका कैमियो आता है, तो कितना हाइप बिल्डअप होता है और उससे फिल्म को कितना फ़ायदा हुआ है, ये आपको बात माननी पड़ेगी। तो सोचिए अगर पठान नहीं आता, पहले टाइगर थ्री आती और टाइगर थ्री में शाहरुख खान का ये कैमियो आप देखते, जो आपने देखा है टाइगर थ्री में, तो क्या आपको पसंद नहीं आता? आपको बहुत पसंद आता, आपको बहुत अच्छा लगता, क्योंकि आप पहली मर्तबा इन दोनों को एक्शन करते हुए साथ में देखने वाले थे टाइगर थ्री में। लेकिन जो कि आपने पठान में उनको एक्शन करते हुए देख लिया था सलमान खान को शाहरुख खान के साथ, तो सेम चीज़ जब रिपीट हुई टाइगर थ्री में, तो उसकी जो वैल्यू थी वो थोड़ी कम हो गई। इसलिए कई बार आपने नोटिस किया होगा कि लोगों का ये कहना, कई सारे क्रिटिक्स ने भी कहा, जिस तरह से सलमान खान कैमियो था पठान में, उस तरह शाहरुख खान कैमियो नहीं था इसमें टाइगर थ्री में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक चीज़ आपने जब देख ली है, वही चीज़ उसी तरह की चीज़ आपको दोबारा देखने को मिलेगी, तो आपको वो एक्साइटमेंट, वो फर्स्ट टाइम वाला एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन, यहाँ पे वो चीज़ हो गई। और मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि ईद पर रिलीज़ करने का जो फैसला था वो बहुत सटीक था, सही था, उसमें सलमान खान की गलती है। लेकिन सलमान खान को चॉइस दी गई थी, जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप अगर सोचोगे कि यार सूर्या पठान पहले ही आने वाली थी, क्योंकि पठान में जो गाना था वो टाइगर थ्री में यूज़ किया हुआ ना, झूमे जो पठान वो सीन में, तो वो तो लास्ट मोमेंट में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। वो चीज़ें मैं आपको एकदम सीधी सीधी बात बता देता हूँ, जो बात बिल्कुल फैक्ट है, सलमान खान ने टाइगर थ्री की कुर्बानी दे दी शाहरुख खान की पठान को हिट कराने के लिए, ये बात एक बहुत बड़ी बात है। और सलमान खान ने ये दोस्ती की खातिर किया हो ये आप बोल ले, या YRF की खातिर किया हो ये बोल ले, जो भी बोल ले, लेकिन
ये बहुत ज़रूरी था। वाइफ का जो फिल्में हैं टाइगर जिंदगी के बाद नहीं चल रही थी, ये आपको यकीन मानना होगा, फिल्में बिल्कुल नहीं चल रही थी टाइगर जिंदगी के बाद, वॉल चली मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरह की सक्सेस वो चाह रहे थे 2019 के बाद 3 से 4 साल हो गए उन्हें नहीं मिली थी। तो ये एक क्रिएटिव डिसीजन था क्योंकि टाइगर जी के बाद भी पठान आ सकता था, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। तो कुल मिलाकर ये इस पूरे डिसीजन मेकिंग में सलमान खान का भी बड़ा योगदान था कि शाहरुख खान इतने सालों से फिलहाल सेबेटिकल पे है, लीव पर है, उन्हें एक बड़ा ब्रेक ज़रूरी है। इसलिए जो पूरी कवायद है, पूरी मार्केटिंग है, पूरी जो दिमाग है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग जिसे कहते हैं, वो पठान में लगा दिया गया। पठान का चलना बहुत ज़रूरी था। जब पठान चली तो वाइरफ के जान में जान है, उसके बाद जाकर टाइगर थ्री का जो एक लक्ष्य है वो क्लियर किया गया। टाइगर थ्री का फिर आगे बात की गई, टाइगर थ्री का ही प्रमोशन नहीं हुआ जिस तरह से पठान का प्रमोशन नहीं हुआ। पठान का प्रमोशन नहीं हुआ था लेकिन उसका बज इतना था, शाहरुख खान 4 साल बाद आए तो चल गए। लेकिन टाइगर थ्री की बात ये हो गई कि टाइगर थ्री में सिद्धार्थ आनंद नहीं थे और मनीष शर्मा की जो एक्शन है वो बड़ा ही अलग है सिद्धार्थ आनंद से, और शायद इसलिए फिल्म उतनी पीछे रह गई। और एक बहुत बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है पीछे रह गई है वो ये है कि ईद पर ये फिल्म आई होती ना दोस्त मेरे, मैं आपको यकीनन कह सकता था कि ये फिल्म 320-340 करोड़ अभी तक पहुंच गई होती और ये 350 करोड़ का लाइफ टाइम रन लेती और ये टाइगर जिंदगी का रिकॉर्ड ब्रेक कर देती। तो कहने का मतलब ये है कि इस फिल्म को कम से कम 1 से 1.5 साल पीछे कर दिया गया है शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए, और आपने उसका हर्जाना देखा। शाहरुख खान सलमान खान की फिल्म को भुगतना पड़ा क्योंकि शाहरुख खान के कैमियो का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना इम्पैक्ट पड़ा था पठान में टाइगर का। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, और आखिर में जाते जाते जितना मुझे समझा है वो ये समझा है कि शाहरुख खान और सलमान खान फैंस, प्लीज़ आप आपस में मत लड़ो। सलमान खान ने अपने टाइगर थ्री को कहीं ना कहीं जितना मेरा समझ है उस हिसाब से कुर्बान कर दिया है पठान को हिट कराने के लिए। और अभी एक इंटरव्यू में भी अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सलमान खान ने साफ कहा था कि मेरी और शाहरुख की जो केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन उससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन है, यानी कि रियल लाइफ में हम ज़्यादा क्लोज है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि शाहरुख खान को आगे करके एक हिट बना के दे दी है सलमान खान ने, सपोर्ट किया है और पठान चल गई, वहीं अपनी फिल्म टाइगर थ्री को कुर्बान कर दिया सलमान खान ने शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए। जितना चीज़ें समझ में आ रही उस हिसाब से मैंने आपको ये बताया है। मुझे पता है बहुत लोग इस बात को लेकर एग्री नहीं करेंगे, बहुत लोगों को लगेगा यार क्या गलत है, लेकिन आपको ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि कोविड में शूट हुआ है टाइगर थ्री और उसका इम्पैक्ट आपको देखना पड़ेगा। इसलिए आप कई बार देखोगे इसके सीन्स जो है टाइगर थीम ज़्यादातर इंडोर सीन्स है, इवन क्लाइमेक्स भी पूरा इंडोर में शूट किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आपको क्या लगता है मेरी बात से कितना सहमत है कि सलमान खान ने अपनी टाइगर थ्री को पठान के लिए कुर्बान कर दिया और पठान को पहले रिलीज़ कराने का पूरा पूरा जो श्रेय है वो वाइरफ के साथ साथ सलमान खान को भी जाता है, और शायद यही रीज़न है कि टाइगर थ्री इतनी पिछड़ रही है। क्या लगता है आपको, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।